ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार, घरेलू उपचार में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, अपने जीवन में धन को आकर्षित करने के लिए, अपने शरीर के अंदर आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। तो साथियों, यह शरीर का आकर्षण शक्ति बढ़ जाने से लोग आकर्षित होते हैं, धन भी उसके साथ साथ आकर्षित होता है, धन तेजी से आते हैं। और आपने देखा होगा कि बिल्कुल साधारण से आदमी, जिनके पीछे 10 आदमी घूमते हैं और उनके बातों का भी भरपूर लोग स्वागत करते हैं, तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति का शरीर का अंदर आकर्षण शक्ति भरा हुआ है, जिसके कारण से उसके पीछे लोग घूम रहे हैं, तेजी से धन आ रहे हैं, जो कह रहा है लोग कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात मित्रों, शरीर के अंदर आकर्षण शक्ति को बढ़ावें, इससे आपको दुनिया में सब कुछ मिलेगा और दुनिया आपके सामने भूख जाएगी और सभी लोग आपको नमस्कार सलाम जरूर करेंगे। ऐसा यह एक शक्ति है। तो मित्रों, अगर आप खुशहाल बनना चाहते हैं और आप किसी भी व्यक्ति का साजिश में न आवे और आपका कोई कुछ कर न पाए, तो एक बात ध्यान रखें मित्रों, अगर आप अपने घर में किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो यह किसी से शेयर न करें, किसी को न बताएं। अगर बताना ही है तो प्रभु से विनती करें कि समस्या हल हो जाए। और अपनी कमाई और उम्र को हमेशा छुपा कर रखें, किसी से नहीं बताना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर किसी का बस नहीं चलेगा, क्योंकि आपके मन के अंदर की भावना बात को कोई समझ नहीं पाएगा। जब समझ नहीं पाएगा तो कुछ कर नहीं पाएगा। और यही बात समझने के लिए लोग ढूंढते रहते हैं कि किस व्यक्ति के अंदर क्या कमी है, कि वह मिल जाए कमी, ताकि उसका मुकाबला किया जाए। तो इससे रहें मित्रों सावधान, आपका जीवन बनेगा खुशहाल। तो साथियों, अगर इन दो चीजों को आप जेब में हमेशा रखते हैं या पर्स में रखते हैं, तो आप दुनिया के नजरों में एक महान दिखाई देंगे। दुनिया आपके सामने झुक झुक कर सलाम करेगी और आपके पीछे 10 आदमी हमेशा रहेंगे, क्योंकि आपका शरीर के अंदर आकर्षण शक्ति से भरपूर है, इसके लिए यह सब हो रहा है। तो मित्रों, इसके लिए आपको चांदनी रात यानी शुक्ल पक्ष के सोमवार या शुक्रवार के दिन यह उपाय करें। तो मित्रों, आप सबसे पहले एक पीली वाली कपड़ा लें और एक छोटी सी, देखिए यह है
एक पॉकेट है, देखिए इसके अंदर ऐसा बनवाया हूं, एक से पॉकेट बनवाइए, एक ऐसा देखिए पॉकेट, लेकिन पीले रंग का ऐसा छोटा सा पॉकेट बनवा लीजिए पीले रंग का, और पीले धागे से सिलवा दीजिए, और पॉकेट बनाने के बाद एक तरफ मुंह खुला रखें। और मित्रों 21 दाने सौंफ को लें, देखिए मित्रों यही सौंफ है, देखिए यही सौंफ है मित्रों, देखिए यही सौंफ है मित्रों, यह आराम से पान के दुकान पर मिल जाता है और पंसारी के यहां मिल जाता है और कहीं कहीं किराने स्टोर पर भी मिल जाते हैं। तो सिर्फ 21 दाने टूटा फूटा न हो ले लें, और चांदी की तार आती है सोनार के यहां मिल जाता है मित्रों, देखिए ये मैंने बनवाया हूं, बहुत लंबा है, देखिए ऐसा है, तो आपको एक इतना छोटा सा टुकड़ा लेना है मित्रों, इतना छोटा सा लेकर, और इसका पॉकेट जो बनवाए हैं उसके अंदर 21 सौंफ और छोटी वाली चांदी की टुकड़ा तार की डाल के, और फिर बाहर से सिल दें। अब यह चारों तरफ सिलाई हो गई। अब इसको आप अपने जेब में या पर्स में हमेशा रखें, जहां जाएंगे आप वहां लोग आपके पक्ष में होंगे, और ऐसा आप करते हैं हमेशा तो कुछ ही दिन में आप चमक जाएंगे, आपके साथ 10 आदमी जुड़ जाएंगे और आपके साथों धन भी खिंचा चला आएगा, तो आप धीरे धीरे फेमस हो जाएंगे, दुनिया आपको जानने लगेगी। तो मित्रों यह एक छोटा सा उपाय आपको खुशहाल बना सकता है, आगे बढ़ा सकता है, और आपके पीछे 10 आदमी हमेशा लगे रहेंगे। तो साथियों कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो जिंदगी को संवार देता है, और जहां हमें नहीं जुड़ना होता है वहां भी जुड़ जाते हैं। लेकिन मित्रों आप कहेंगे क्या एक छोटी सी चांदी की तार रख देने से और सौंफ रख देने से होगा? मित्रों अगर इस चांदी का कहानी और सौंफ की कहानी बनाऊं तो कम से कम 2 वीडियो और बन जाएंगे, अलग अलग इसमें ग्रहों का देवी देवताओं का भी होता है बात। तो मित्रों आप छोटे छोटे उपाय करके जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो में इतना ही, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।